राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर यशवंत सिन्हा के नाम का ऐलान। 19 विपक्षी दलों ने दी हरी झंडी। टीएमसी ने बैठक में रखा प्रस्ताव। बागी एकनाथ शिंदे पर शिवसेना सख्त। विधायक दल नेता के पद से हटाया तो शिंदे ने ट्वीट कर ठूंकी ताल। बाल ठाकरे का जिक्र कर पर बोले, सत्ता के लिए कभी हिंदुत्व को धोखा नहीं दिया। महाराष्ट्र संकट पर दिल्ली तक हलचल। शरद पवार ने कहा, सरकार को कोई संकट नहीं, उद्धव ठाकरे के हर फैसले के साथ है एनसीपी। शाम को मुंबई लौटेंगे शरद पवार। कांग्रेस ने विधायकों को दिल्ली बुलाया। दहशत हलाल मामले में राहुल गांधी से ईडी के दफ्तर में पूछताछ। पांचवें दौर में राहुल से सवाल जवाब। समर्थन में सड़कों पर उतरे कांग्रेस के नेता। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में दिल्ली में जुटे कांग्रेसी। मुख्यमंत्री गहलोत ने भाजपा और केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा, चुनी हुई सरकारों को निशाना बना रही है भाजपा। एनएसए अजीत डोभाल ने अग्निपथ योजना को देश के लिए जरूरी बताया। कहा, काफी समय से नई स्कीम पर हो रही थी चर्चा। चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम अग्निपथ। नवनियुक्त सीजेएसए सिंधे ने राज्यपाल कलराज मिश्र से की मुलाकात। थोड़ी देर बाद राज्यपाल दिलाएंगे मुख्य न्यायाधीश की शपथ। राजस्थान हाईकोर्ट के 39वें मुख्य न्यायाधीश हैं सिंधे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दुनिया भर में किया जा रहा योग। कर्नाटक के मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15,000 लोगों के साथ किया योग। कहा, योग ऊर्जा विश्व स्वास्थ्य को दे रही नई ऊर्जा। योग पूरी मानवता के लिए जरूरी। मरुधरा में इंद्रदेव की मेहरबानी जारी। सीकर सहित कई जिलों में झमाझम। निचले इलाकों में भरा पानी। रेल की पटरियां भी डूबी। राजधानी के विद्याधर नगर में कुरियर बॉय से लूट। बाइक सवार बदमाश फायरिंग के बाद बैग लूट कर हुए फरार। तलाश में जुटी पुलिस।